चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, इसके लिए 20 का गैप है, 5 का, 5 10 15 ठीक है, और इधर हमारे पास है अभी 10 से। तो मैं एडिट में चला जाता हूँ और ऊपर वाई में कर देते हैं इसे 15, और इधर का कम करना चाहो कम कर लो, या 10 भी रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 5 है वैसे तभी जो है 5 की। तो मैंने यहाँ से क्लिक किया 5, फिर ऊपर गए 5 पे, फिर 5 पे गए, इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर, फिर इधर, और फिर एक इससे मिला दिया, और फिर इसको इससे ये मिला दिया ठीक है जी। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ पूरे को, और इसे कहते हैं ट्रांसलेट डायरेक्शन जेड के लॉन्ग, 5 मीटर पे एक चाहिए और लिंक स्टेप ठीक है जी। बस इसके अंदर दो बीम एक्स्ट्रा आ रही है, जैसे ये वाली, ये मुझे नहीं चाहिए तो इसे इरेज कर देते हैं, एक ये वाली भी नहीं चाहिए इसे भी कर दो इरेज ठीक है। ऊपर वाला हमारा टैंक के लिए ऊपर प्लेट चाहिए, तो प्लेट के अंदर यहाँ से जाइए और यहाँ से ले लीजिए जनरेट सरफेस मैश, या पहले प्लेट बना रखी तो बाद में भी ले सकते हो। तो बनाएंगे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, पहला दूसरा तीसरा चौथा वापस पहला क्वाड्रिलेटरल कर देना, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा 10 10 10 10 ठीक है जी। तीसरा चौथा वापस पहला, ये लेफ्ट एरो राइट एरो से ठीक है, इसे राइट क्लिक जाके फिल कर देना ठीक है। ये हमारा ऊपर टैंक हो गया, अब आते हैं तो थिकनेस ऊपर से कवर नहीं करना, उसका एलिसम के रोल तो है नहीं, उसको लोड वोड कुछ लगना तो है नहीं, आप लगाना चाहो लगा लेना वैसे, लेकिन यह कि दिखना बंद हो जाएगा आप उसका इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए इतना ही है खाली इस वाले में है ना। अगर लगाना चाहते हो लगा लो, फिर अंदर के अंदर लोड लगाने में दिक्कत होगी। अभी डिफाइन में जाते हैं, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर में है हमारे पास 0.4 400x400 का तो हो गया हमारा कॉलम, फिर 300x300 का है बीम, और ये है बीम है, इसे सेलेक्ट करके सिलेक्ट कर लें पहले लॉन्ग एक्स पहले लॉन्ग जेड ठीक है जी, असाइन, फिर ये वाला लिया और पैलर लॉन्ग वाई ठीक है। इसे बनाओ और 10-15 बार सीट पर टेस्ट करो, घर से भी करके आना है सीट पर, और अगर फिर आप थिकनेस में जाते हैं और थिकनेस ले लेते हैं 0.5 और ऐसा इंटीवल ठीक है जी। ये तो हमारा बन गया, अभी मॉडलिंग जो बनी थी हमने वो कर दी। अब इसके बाद वाले में क्या आता था, सपोर्ट लेते हैं, सपोर्ट में जाके क्रिएट
नीचे वाले को सिलेक्ट करके असाइन कर सकते हैं। सपोर्ट हो गया, फिर लोड में जाते हैं। एक डेड लोड है और एक लाइव लोड है। डेड लोड में जाते हैं, डेड लोड के अंदर एक तो है सेल्फ वेट, ठीक है जी, और दूसरा क्या है प्लेट लोड दे रखा है ना, तो प्लेट लोड में जाएंगे और कितने का है माइनस 20 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर यूनिट देख लेना, और ग्लोबल वाई जी वाई डाउनलोड रहना चाहिए। ये वाला तो मुझे करना पड़ेगा असाइन टू व्यू ताकि सब पे असाइन हो जाए सेल्फ वेट, और इस वाले के लिए मुझे चाहिए सिर्फ नीचे नीचे वाला, और सिर्फ लेना पड़ेगा प्लेट। प्लेट कैसे लिया, ठीक है, और कर देते हैं असाइन। प्लेट पे लग गया होगा, इस पर हमारा लोड लग गया इस वाली प्लेट पे भी। अब अगला क्या देख सकते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, उसके लिए करना है हमें। तो नेक्स्ट में जाता हूँ मैं, हाइड्रोस्टेटिक सब डेड लोड के अंदर ही है ना, लाइव लोड है ही नहीं कुछ, तो लाइव लोड को डिलीट करता हूँ, ये मैंने गलत ले लिया। यहाँ से क्लिक करते हैं ऐड, और यहाँ से लेना है हाइड्रोस्टेटिक, प्लेट के अंदर हाइड्रोस्टेटिक और सेल्फ प्लेट, डन कर देते हैं इसको, और डायरेक्शन है एक्स, जी एक्स में लोड है ना, एक्स के अराउंड लगेगा, डब्ल्यू 20 ग्लोबल एक्सिस तो वाई नहीं है, और प्रेशर जो है हमारा एक्स के अलावा था, और एक बार ऐड करते हैं और क्लोज करके चेक कर देते हैं। ठीक है जी, ऐसे ही चारों प्लेटों पे लगाना है, चारों पे सर अलग अलग डायरेक्शन होगा, सेल्फ फिट है, फिर प्रेशर हो गया बॉटम वाली पे, फिर ये छोटी 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 बनी हुई नहीं, उसकी वजह से सारे स्प्रेड हो रहा है, ऐसे पूरे पे लगाना है इसके अंदर। अब माना हमने पूरे पे लगा दिया, तीन जगह का वो लगाना आपको है ना, अब इसके अध्ययन करके एनालिसिस, इससे पहले क्या करना पड़ता है एनालिसिस में जाते हैं, ऑल ऐड क्लोज एनालिसिस रन, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्लेट वाला भी आ गया हमारे पास, और लोड वन की वजह से हम देखना चाहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, एनिमेट 8 और एनिमेट स्ट्रेस, ठीक है, वैसे इस तरीके से इसमें जनरेट स्ट्रेस जो होगा ऐसा जनरेट होगा, ठीक है, नीचे याद रहना। Thank you.